السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسل شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال علي أفضل الصلاة والتسليم الدعاء هو الإبادة पेश खिदमत है प्रोग्राम दवाए शाफ़ी और अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस प्रोग्राम को हम सब के लिए दीन और दुनिया हर दो अतबार से मनफात बख्श बनाकर हमारे अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमाए नेकी की तोफ़ी दे और नेकी को फ़रोग देने की अल्लाह इस मुस्तार ज़िंदगी में हमें तोफ़ी मरहमत फरमाए अल्लान अल्क हकन वर्दकन तबा वारन अल बाला बौतिल वर्दतनाबा आमीन या अलामीन नादरी इस प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगु का मऊदू इमाम मौसुफ़ इबन रहमाउल्लाह की तालीफ करदा किताब में अल काफ़ी लिमन सा दवा शाफ़ी दुआ के दिमन में जो उन्होंने उनवान ज़िक्र किया है उस उसवान पर हमारी गुफ्तु इनशा हो होगी मैं चाहूँगा कि पहले उस उसमान के अल्फ़ाज़ आपके गोश गुज़ार कर दूँ दुआ के मुख्तलिफ़ पहल और जवान जिक्र करते हुए इमाम इबन अकैम रहा ने अपनी इस किताब में एक फ़सल जिक्र की है जिसके अल्फ़ाज़ हैं शुरूत दुआ कबूल की जाने वाली दुआ की शरूत वाह या व कैफ़ियात तो उसमें उन्होंने इस बात को इस मिसाल से वादे किया है कि अदिया व तदात दुआएँ अल्लाह की बारगाह में जो की जाती हैं और इसी तरह अल्लाह से अल्लाह की जो पनाह मांगी जाती है शयातीन से ताकूती क़वतों ताक़तों से दुश्मनों से अल्लाह की पनाह में आने की जो दुआएँ हैं जो अजकार हैं जो अल्फाज हैं पे मंज़िलत सिला उनकी सूरत एक हथियार की सी है इसे वेपन कहते हैं ना? तो वो समझें कि एक बंदा मोमिन के पास हथियार है अब जो शख़्स इन दुआओं से बेबहरा है साहब कोई मुसलमान मर्द औरत तो गोया वो ज़िंदगी अपनी बसर कर रहा है बिल्कुल गैर मुसलह और ग़ैर महफूज़ है किसी भी वक्त नापाक और इनविजिबल जो एनिमी दुश्मन है उसका अटैक उस पर हो सकता है वो जो कि हमें नज़र नहीं आता और हम उसको नजर आते हैं मैं नहीं सला तरऊना हूँ इन्ना हो यरा कुंब व कबील हो मैं नहीं सोल्ला हूँ वो और उसका सारा कुंबा कबीला आपको देखता है आप उसको नहीं देख सकते तो ऐसा दुश्मन उस दुश्मन के आ, जो हथियार या उसका जो अटैक है उससे हम माफ गैर महफूज हैं जिस शख्स के पास दुआओं का सिलसिला नहीं अजकार का, तावुज़ात का तो तोमर रहा सर तवजो दिलाई कि गोया के ये एक हथियार है विलह बे गौ और आगे फ़रमाते हैं कि हथियार का होना काफ़ी नहीं है नादरीन आप जानते हैं कि लेटेस्ट आपके सामने वेपन पड़ा हो जदीद तरीन हथियार टेक्नोलॉजी से भरपूर और मामूर लेकिन एक शख्स पास घड़ा है उसको उस हथियार के इस्तेमाल का सही तरीका नहीं ट्रेनिंग नहीं है तरबियत नहीं है तो क्या हथियार उसके लिए कोई फ़ायदा मंद है क्या उसके लिए कोई ए, उससे दुश्मन के अटैक से या शयातीन के या जो नजर आने वाली मखलूक़त हैं उससे बचाने के लिए कोई फ़ायदा मंद है वो हथियार हरगज़ नहीं कि इंसानी अक्ल फ़ौर ये जवाब देगी आपको ला बहद ही फ़कत हाँ तो महद हथियार का होना या बिल्कुल जदय टेक्नोलॉजी से मरसा होकर पास होना ये काफ़ी नहीं होगा फमतान आफत तो जब वो कहते हैं कि एक तो बात यह है कि जब बी जो हथियार है वह बिल्कुल सही दुरुस्त और ज़रूरत के मुताबिक है इससे मुराद दुआएँ सही अलफ़ के साथ सही शुरूत और आदाब के साथ वो मौजूद हैं वो दुआएँ जो कि अल्लाह की बारगाह में की जानी चाहिए और अल्लाह के शैन शान है कि उससे उन अल्फाज के साथ मांगा जाए जिनका हमने सही रवायात की रोशनी में ज़िक्र भी किया है और कुछ अदीस बयान करके तो उन मसनून दुआओं का तस्करा किया या कुरानी दुआएँ हैं जिनका तस्करा हुआ है अहिल ईमान की फ़रिश्तों की अहल अम्बिया और रसलसलम की किताबल्ल और सन्नत रसल्ह में वो हथियार आपका बिल्कुल सही है दुरुस्त है उसमें कोई कमी नहीं मुकम्मल है वसाद कवियन अब अलाक़ीम रहमतुल्लाह कहते हैं कि अब इस हथियार के होते हुए ऐसा बारूद जो चलाने वाला है वो भी मज़बूत है तंदुरुस्त है तवाना है तो जाहिर है कि उस बारूद को चलाने के लिए और हथियार को चलाने के लिए ताकत चाहिए कुवत चाहिए बाज़ू चाहिए वो भी मौजूद है और ताकतवर है मालूम हुआ कि उस हथियार को चलाने के लिए जो श्रुत हैं आदाब हैं महासन हैं वो बिल्कुल दुरुस्त और सही हैं जैसा कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी कि इस तरह दुआ होनी चाहिए तो ये है वो मजबूत बाजू वलमान वमफकूदन और कोई मानने भी नहीं रुकावट भी नहीं उस हथियार को इस्तेमाल करने में क्यों बस अवकात ऐसी बात होती है कि दुश्मन भी है हथियार भी है चलाने वाला भी है लेकिन अभी वक्त ही नहीं अभी मुनासिब टाइम ही नहीं है जगह ही नहीं है क्योंकि तो वक्त से पहले कोई इंसान जो है वो हथियार इस्तेमाल कर लेता है उसके लिए वो नुक़सानदह है और अगर हकमत अमली से और जो ली हुई तरबियत और ट्रेनिंग है उसके मुताबिक हथियार इस्तेमाल होगा तो उसका फ़ायदा भी होगा को मोमिन को हमेशा ही हुक्म दिया गया है कि हथियार पहले नहीं उठाना चाहिए इंतज़ार करे अगर दुश्मन वार करता है हथियार उठाता है तो वो दिफा करेगा तो बहर हाल ये पूरा एक असूल है और कवायद हैं हथियार को चलाने में भी तो गोया दुआ जो है उसके लिए भी वक्त मुनासब टाइम जगह ज़रूरत ये मौजूद है माने कोई नहीं कि उसको दुआ को ना किया जाए वाल मानो मफपूत या वो चीज़ें कि जो कि दुआ की कबूलियत में रुकावट हैं जो हमने ज़िक्र की हैं इन डिटेल और उसमें सर फहरस्त जो है वो इंसान का खाना पीना हराम हो पहनना हराम हो फन्ना जस्तजाबल तो उसकी दुआ को कैसे कबूल किया जाएगा ऐसा मानने भी नहीं है हसलत बही निकॉया तो फिल अदू अल्लाह उपर अब अल्लामा अमामा मौसफ़र ने कहा कि फिर अब जब इस असले को इस्तेमाल करेंगे तो एंड टारगेट पे जाके वो लगेगा ऐसा लगेगा कि जो दुश्मन है उसको पारा पारा कर देगा क्या मतलब कि वो दुआ जो है वो तीर ब ऐसा नुस्खा है सुबहानल्लाह, ऐसा इलाज है उस बीमारी के लिए कि इंसान खुद हैरान हो जाता है बसावकात कि गैर किरम तौर पर मैं तो इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता था जो हो गया नतीजा इस दुआ के नतीजे में इन अल्फाज के नतीजे में अल्लाह पर तो ऐसे तजर्बात इंसान की इस ज़िंदगी में भी कोई इंसान बड़ा बेबस है लाचार है उसको भी होते हैं बास नागहानी सूरत हाल में उसकी ज़ुबान से ऐसे अलफ़ा अल्लाह निकाल देते हैं अपनी तोफ़ी से कि उन अल्फाज के साथ ही पानसा पलट जाता है और इंसान को पता ही नहीं चलता कि वह क्या गया गिरते गिरते गढ़ों में कि कोई जान लेवा गढ़े और ख़तरनाक हादसे उसमें इंसान की ज़ुबान से अचानक अल्लाह की तोफ़ी से हसबन अल्लाह हसब अल्लाह ऐसे अल्फाज निकलते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते जो पहले से मौजूद हैं उसको घेरे में लिए हुए फ़ौर पहुँच जाते हैं और उन अल्फाज की तासीर से उसको उठा कर किसी और जगह पर रखते हैं उसको पता भी नहीं चलता अयुसम हाफ तो फरमाते हैं कि वह माँ तख्लफा वाहिदम नहाज ही अ तख्लफ ये जो तीन तीन चीज़ें हमने इस वेपन को यूज़ करने के लिए की हैं अगर इन में से कोई एक मफकूद है या एक भी कम है तो फिर अगर वो असलह कारगर साबित नहीं होता दुश्मन को नस्त व नाबू नहीं करता या उससे मतलूबा मकासद या फ़वाद हासिल नहीं होते तो फिर वो बिल्कुल परेशान ना हो इसलिए कि उसका इस्तेमाल ही ठीक नहीं हो रहा क्योंकि तीनों चीज़ें जो हैं वो बैक वक्त ज़रूरी हैं उस हथियार को चलाने के लिए दुआ की सूरत में फ़ैज़ा खान दुआफ़ी अफसही साल अब वो कहते हैं ये मिसाल देकर कि बसावकात बिनफीनफ से ही दुआ ही दुरुस्त नहीं है अल्फाज ही ठीक नहीं है, दुआ करने वाले के मिसाल के तौर पर मैंने ये अपनी पिछली गुफ्तगू में भी इसकी तरफ इशारा किया था कि इंसान वो अल्लाह ने उसको मर्द बनाया है और वो अल्लाह से ये दुआएँ करना शुरू कर दे गैर फितरी तौर पर कि अल्लाह मुझे औरत बना दे या एक शख़्स है उसको अल्लाह ने अब बूढ़ा कर दिया जो कि आलमीन की सुन्नत है इस दुनिया में कि बच्चा पैदा होता है फिर जवान फिर बूढ़ा इसके बाद फिर वो अगली ज़िंदगी की तरफ रवा दवा होता है एक सुन्नत है अल्लाह की तो कोई शख्स ये दुआ दुआ करनी शुरू कर दे कि अल्लाह तूने मुझे बूढ़ा कर दिया मुझे दोबारा बच्चा बना दे मुझे दोबारा छोटा कर दे उम्र में ये ऐसी दुआएं हैं या कोई हराम काम के लिए दुआ हो गुनाह की मासीत के लिए गैर मौका गैर महल या अलफाजी ठीक और दुरुस्त नहीं अल्लाह के शान शान नहीं है या ऐसी दुआ कि उसमें गैरुल्ला से मदद ली गई है और वास्ता तलब किया गया है अल्लाह का इन एूब से नकायद से पाक है कि उस ज़ात को पुकारने के लिए दरमियान से हम कोई वास्ता ढूँढने की तलाश करें कोई सीढ़ी या कोई स्टेप जो है उसके लिए हम अपने गले में मुसीबत डाल लें वो तो कहता है वन हन अकरा तो अवि अविदाई लम यजमा बही नकलब ही व लसान ही फिर दुआ या वो कहते हैं कि एक तो दुआ बनफ सही अल्फाज के साथ ठीक ना हो ये भी हो सकता है कि दुआ करने वाला जो है उसने अपनी ज़ुबान और दिल की हजूरी यानी जिसे हम बोलते हैं एक यकसुई के साथ लाहीत के साथ तशु खशु और ख़ुद के साथ ग्रज़ारी के साथ पूरी कामिल तो रजूल इनाबत उसके साथ और हजूर क़लब यानी दिल की हुजूरी ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान की दुआ में और उसको मौसर बनाने में और उसको कबूल होने में एक बुनियादी हैसियत रखती हैं अवका स मानलजाबा लम यहसरू या वहाँ कोई ऐसा दुआ करते हुए माने है जैसा कि पीछे कहा कि असला चलाते हुए माने मफकूद है लेकिन यहाँ माने भी मौजूद है मफकूद नहीं कोई ना कोई रुकावट है दुआ को कबूल होने में तो फिर अमामकमर कहते हैं कि ये ताव़ात और ये अजकार और ये दुआओं के अल्फाज और ये अदिया मासूरा ये असलहा की मनंद हैं कि जो माहद उसका होना काफ़ी नहीं माहद उसका जदीद और टेक्नोलॉजी से मरसा होना ये काफ़ी नहीं उसके लिए एक बादू चाहिए उसके लिए चलाने वाला सही दुरुस्त चाहिए उसके लिए वक्त और टाइम और जगह मुनासिब चाहिए ये सारी चीज़ें और कोई माने मफकूद ना हो यानी जो मान हैं वो मफकूद हो और कोई भी चीज़ रुकावट ना हो तो नादरी ये दुआ जो कि कबूल की जाने वाली उस सिलसिले में इब्नक़ीमर ने ये बात जिक्र फरमाई और हमें समझाया कि दुआ को इस तरीक़े से इंसान इस्तेमाल में लाए कि एक, एक की तरह नादरीन मैं चाहूँगा यहाँ एक आ, बहुत ही बसीरत अफरोज़ और सबक़ का मोज़ एक और वाक़ है जैसा कि पहले आफ्रबिन असाकर काम ने ज़िक्र किया यहाँ वो वाक़ दुआ के सिलसिले में कि किस तरह दुआ अल्लाह अल्लाकम कबूल करते हैं अमामा अज़हबी ने सैर आलामामबाला में उसको जिक्र किया है और हाफिज़ कसीर ने अलबदाया व नयाया में भी उसका तस्करा किया है तो इख्तिसार के साथ ये जो वाक़ है इसको सुनने के बाद भी आपको इल्म हो जाएगा और इस वाक़ की कुछ मुमासलत है उससे पहले वाक़ के साथ और ज़्यादा मज़ीद हमें ये बात वादे होगी कि दुआ किस हाल में किस कैफियत में किस अंदाज़ में अल्लाह से की जाए और अल्लाह रब्लम ला उसको फ़ौरी वो उसका जो सिला वो देते हैं हमने इस बात का तस्करा किया के सबका प्रोग्राम में भी कि अल्लाह किबालमीन बाज़ दुआएँ अपने बंद मूमिन की ऑन द स्पॉट यानी उसी जगह उसी वक्त कबूल करते हैं उसी वक्त फरिश्ता आता है जैसे जकरीर सलाम की दुआ थी और इसी तरह हजरत मूसा असलम की दुआ हजरत मूसा अल्लाम को अल्लाह ने कहा कि जाओ इज़ हाबीला फ़िरउन तगा को वो सरकश हो गया है और बहुत ही मेरी ज़मीन पर फसाद ब पाने शुरू हो गए तो हजरत मूल असलम को इम था कि मैंने एक अमल किया है इनका खास तौर पर कत्ल किया था एक किबती तो वो जब मैं निकल बागा मदीन की जानब ये अमल मुझसे हुआ तो बहुत ही घनौना ये अमल था इससे मुझे खौफ आता है डर आता है कि कहीं मैं उस फिराउन की तरफ़ जाऊँगा तो मुझे उस क़त्ल के बदले में मुझे तकलीफ़ अजियत और नुकसान न पहुँचाएँ तो ये अल्लाह के पैगम्बर डर रहे थे ये फितरी खौफ है हर इंसान के लिए तो अल्लाह ने जब ये फरमा दिया तो अल्लाह का हकम ने हुक्म दे दिया कि जाओ और मुसलम मुसल चाह रहे थे कि इस बारे में मेरा भाई जो है वो मेरे इस क़ार नबूत में शरीक हो जाए तो अल्लाह से दुआ कर लिया उफ़ी अमरी कई का कि हम तेरी तस्वीर बयान करें मिलकर तो उसको मेरे मामले में शरीक कर ले तो कुरान मजीद में नादरीन अल्फाज हैं फ़ौर उसी वक्त अल्लाह ने जवाब दिया लक ऊ तीत सो लक या मूसा क्या है मेरे पैगम्बर मैंने इस तेरे सवाल को कबूल किया और मैंने उसको भी नबूवत दे दी अब दोनों जाओ इस हवा फ़कूल आ लू कौल्लई नज़क् करो यक्षशा तो ये दुआ कबूल हो गई तो कोई दुआ जब फौरी भी कबूल हो जाती है और इंसान चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो तो इन हम इस हवाले से जिक्र करेंगे कि कौन सी वो कैफियत है जिससे इंसान की दुआ जल्दी और फौरी कबूल होने का इम्कान होता है तो सर दस्त जो कुछ प्रोग्राम में जिक्र किया है अल्लाह उसको समझ कर उस पर अमल की तो़ीक दे अमैकमी वबरकू